BSNL के ऊपर जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं, उन सभी वीडियो के नीचे एक कमेंट बहुत ज्यादा आता है जो कि ये BSNL का वोल्टी एक्टिवेट करके दिखाओ, कैसे एक्टिवेट करते हैं। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो के अंदर वोल्टी ही एक्टिवेट करने वाले हैं। काफी सारी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो लेकर के आया हूं। BSNL के अंदर वोल्टी एक्टिवेट करने के लिए 4-5 ऑप्शन लेकर के आया हूं, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर काम करेगा। मेरे फोन के अंदर भी वोल्टी एक्टिवेट नहीं है, अगर आप लोग पुरानी वीडियो मेरी देखते हैं तो आपको पता होगा। चलिए ट्राई करते हैं BSNL के अंदर, देखते हैं वोल्टी कैसे एक्टिवेट होगा। जितने भी तरीके हैं वोल्टी एक्टिवेट करने के सारे करते हैं। तभी मैंने इस एंड्रॉइड फोन के अंदर अपना सिम डाल रखा है BSNL वाला, देख सकते हैं यहाँ पर सेल 1 BSNL मोबाइल लेकर के आ रहा है एंड प्रॉपर फुल नेटवर्क पकड़ रहा है। यहाँ पर 4G पकड़ता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। इंटरनेट चालू किया, यहाँ पर देख सकते हैं 4G आ रहा है, तो 4G तो पकड़ता है बहुत अच्छे से। इंटरनेट भी चलता है, ठीक ठाक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट कॉलिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है वोल्टी की वजह से, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि वोल्टी एक्टिवेट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास वो है SMS का, SMS हमें सेंड करना होता है। चलिए देखते हैं कि इससे एक्टिवेट होता है या फिर नहीं होता है। जाएंगे SMS ऐप के अंदर एंड यहाँ पर न्यू SMS पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 53733, इसी पे हमें SMS सेंड करना है। क्या करना है वो बताता हूँ आगे मैं। यहाँ पर अब टाइप करना है आपको एक्टिवेट वोल्टी, एक्टिवेट वोल्टी टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, कैपिटल में टाइप करेंगे ACT एक्टिवेट एंड वोल्टी, इस तरीके से आपको टाइप करना है एक्टिवेट वोल्टी एंड सेंड कर देना है। देखते हैं क्या होता है। ये मैसेज सेंड हो जाए, उसके तुरंत बाद अगर एक SMS आता है कि आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है तो समझ लो कि एक्टिवेट हो जाएगा, बट कुछ नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। अब सेंड हुआ या फिर नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि BSNL के अंदर SMS वगैरह सेंड थोड़ा सा लेट ही होता है। नोटिफिकेशन आ चुका है, कैन नॉट सेंड मैसेज, नहीं सेंड हुआ, नॉट सेंड। कोई बात नहीं, दूसरा नंबर हमारे पास है उस पर ट्राई करेंगे। इस बार इस नंबर पर हम ट्राई करेंगे, नंबर देख लीजिए 53734, ठीक है। सेम वही टाइप करना है इस पर भी आपको, एक्टिवेट वोल्टी एंड सेंड कर देंगे। SMS हमारा सेंड हो चुका है, वो भी RCS में गया हुआ है। आई डोंट नो ये क्या है, RCS वाला सिंबल आ रहा है, डबल टिक जो RCS में लगता है वही सेम यहाँ पर दिख रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ ये भाई, दोबारा सेंड करते हैं। एक्टिवेट वोल्टी, 4 से 5 SMS सेंड कर दो। क्योंकि इस पर सेंड हो रहा है तो सेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं रिटर्न में कोई SMS वगैरह आता है या फिर नहीं आता। अभी तक तो कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। A few inches later, काफी सारे SMS हमने सेंड कर लिए। चले तो गया SMS इस साइड से इस नंबर के ऊपर, बट बैक में उस साइड से कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी SMS नहीं आ रहा कि आपकी रिक्वेस्ट वगैरह ले ली गई है, वोल्टी कब तक एक्टिवेट होगा, या हमारे फ़ोन के अंदर अभी वोल्टी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 4G वही पकड़ रहा है। एक काम करते हैं, सेटिंग के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन के अंदर जाएंगे और मोबाइल नेटवर्क के अंदर एंड वोल्टी कॉल सिम ऑन। देखो यहाँ पर ऑन कर रखा मैंने पहले से ही, बट फिर भी यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वोल्टी वगैरह कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो ये भी फेल हो चुका है। अब देखते हैं अगला वाला ऑप्शन जो हमारे पास है वो अप्लाई करके देखते हैं कि एक्टिवेट होता है या फिर नहीं इससे भी। तो अभी हमें करना पड़ेगा कॉल, कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। यहाँ पर जो नंबर है वो है 1503, ठीक है, इस नंबर पे हमें कॉल करना है। डायल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हिंदी सही रहेगा ज्यादा। प्रीपेड के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड के लिए, सही बात है, टैरिफ प्लान्स के लिए 1 दबाएं, स्पेशल ऑफर्स के लिए 2 दबाएं, वॉइस पैक्स के लिए 3 दबाएं, डेटा पैक्स के लिए 4 दबाएं, SMS पैक्स के लिए 5 दबाएं, रोमिंग पैक्स के लिए 6 दबाएं, प्रीपेड सेल्फ केयर के लिए 7 दबाएं, अदर क्वेरीज के लिए 8 दबाएं। चलो अदर क्वेरी है। प्रिय ग्राहक, आपकी कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को हस्तांतरित की जा रही है। बिल्कुल प्रिय ग्राहक, प्रशिक्षण और गुणवत्ता उद्देश्य हेतु आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। हम तैयार हैं। हेलो, रोशन बात कर रहा हूँ, बताइए पंजाब स्टेट लुधियाना जिले जी।
जानकारी का लेना चाह रहे हैं बीएसएनएल से संबंधित सर? एक्चुअली वोल्टी एक्टिवेट करना है। आप बताना चाहेंगे आपके एरिया में अगर नेटवर्क है 4G का जी, और तो आप बीएसएनएल ऑफिस जाके वहाँ से वोल्टी सर्विस एक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ से हम खुद से नहीं एक्टिवेट कर सकते हैं? जस्ट वेट, मैं कॉल थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं वहाँ पे सुना सकूँ उनको। अगेन अब दोबारा से बोल देंगे यही बात। आपको बताना चाहूँगे अगर आपके एरिया में नेटवर्क है 4G का तो वॉल्टी सर्विस के लिए आप बीएसएनएल ऑफिस संपर्क करिए, वहाँ से एक्टिवेट करेगी। ओके जी, थैंक यू। संपर्क करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। ओके जी। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ढंग से बात हुई है। जितनी बार हमने कॉल की, पहले भी काफ़ी बार कॉल की है, तो हमारी बात ही नहीं सुनते, कॉल काट देते थे उस साइड से। बट इस बार थोड़ा सा अच्छे से बात हुई है। हमारे साथ जुड़ी हुई थी राधा जी, उन्होंने बताया कि आपको बीएसएनएल ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उनका कहना ये है कि अगर आपके एरिया में 4G नेटवर्क पकड़ रहा है तो आप बीएसएनएल के ऑफिस जाकर के वहां पर वोल्टी एक्टिवेट करा सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, अगर वहां पे बाई चांस वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हमारी तरफ से नहीं होता एक्टिवेट, तो हम उनको दोबारा सुना सकते हैं। तो हमने कॉल को रिकॉर्ड भी कर लिया है, चलिए देखते हैं क्या होता है, आज एक्टिवेट करके ही मानेंगे। चलो पता करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर वोल्टी एक्टिवेट कराना है, वोल्टी एक्टिवेट कराना है। हाँ नंबर 277। हो गया, हूँ रजिस्टर करिए फोन में। ओके ओके, जाओ यार आप। सर ये समस्या और तो नहीं, क्या समस्या है? ये समस्या है कि जब फोन करते हैं तो नाम तो मेरा आना चाहिए, दूसरे का आता है। यार उनके लिए कर लेना अपडेट, ट्रू कॉलर से अपडेट कर ला आपके नाम पे, तभी तो सिम दिए यार। और ऐसे किसी को थोड़ा सिम दे देते हैं, उसके नाम का डिफरेंट है, उसको थोड़ा ट्रू कलर पर रजिस्टर होगा ना किसी एंड्रॉयड फोन में डाल करके हो जाएगा। राइट, थोड़ा टाइम तो हो जाएंगे बस कंप्लीट, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा हो जाएंगे कंप्लीट। कोई ना, बैठ जाओ। ऑफिस के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ बट काफ़ी मस्त लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे छोटी मोटी कोई बैंक हो, ठीक ठाक है। एंड सिटिंग के लिए मस्त एकदम सोफा वोफा लगा हुआ है, वो बैठे हुए हैं फिलहाल, वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और हाँ ये हमारा फ़ोन रखा हुआ है, वोल्टी का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी 4G पकड़ रहा है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। 818 हाँ जी, ये सारे मेरे नंबर दिए, एक दो तीन चार पाँच कम्प्लीट हो गए, पाँच रह गए, ये सारे होने दाम हो जाऊंगा। हाँ जी हाँ, फिर मैं जाऊँगा फिर हो जाऊंगा ना। ओके जी, थैंक यू। फाइनली आज है दूसरा दिन, कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। बिस्ल के ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। जैसे ही अंदर गया वहाँ पर काफी सारे काउंटर थे, वहाँ पर दो नंबर काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने जाकर के उनसे बोला कि सर मुझे वोल्टी एक्टिवेट कराना है, तो पहले तो बोले वोल्टी, फिर बोलते बताइए नंबर, मैंने बताया उनको। उसके बाद उन्होंने अपने सिस्टम में लॉग इन किया, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह कुछ, और एक रिक्वेस्ट बोले थे रेज की हमने वोल्टी एक्टिवेट करने के लिए। फिर 10-15 मिनट में खड़ा रहा वहाँ पर, दोबारा मैंने पूछा सर होगी, तो बोलते हाँ रिक्वेस्ट मैंने डाल दी, ये थोड़ा सा अभी पेंडिंग है, अप्रूव हो जाए तभी एक्टिवेट हो जाएगा आपका वोल्टी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज है, अभी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा,
सही है फिर तो। फिर करीब आधे घंटे तक बैठा रहा, वेट करता रहा, फिर जाकर के मैंने पूछा दोबारा, सर अभी तक वोल्टेज एक्टिवेट नहीं हुआ, क्या बात है। तो उन्होंने दोबारा मोबाइल नंबर पूछा मेरा, और इस बारी वो काफी देर तक अपने सिस्टम में कुछ करता रहा, मतलब अराउंड 5 मिनट तक। उसके बाद मेरे को डिस्प्ले घुमा करके दिखा दिया उसने कि देखो यहाँ पर कुछ स्टेज है हमारी जो कम्प्लीट हो चुकी है पहले से, 2-3-4 स्टेज बची हुई थी। तो बोलते जैसे ये कम्प्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपका वोल्टेज एक्टिवेट हो जाएगा। इतना ज्यादा फ्रेंडली होकर के बातचीत हुई, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और पहले जैसा था सिस्टम, मतलब जो इनके ऑफिसर होते थे, स्टाफ जो होता था, उनका बिहेवियर सही नहीं होता था, काफी रूडली बात करते थे ये लोग। बट इस बारी गया तो मतलब काफी अच्छे से बात हुई, ओपन प्रॉपर पूरा जो भी है आपके सामने है, सिस्टम डिस्प्ले घुमा करके दिखा दी कि देखो यहाँ पर ये स्टेज बाकी है, अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने रिक्वेस्ट डाली, 10-15 मिनट के अंदर अंदर साथ के साथ ही रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, वोल्टेज एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कई बार होता है कि 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, और कई केस में ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन चालू हुआ है, नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद। तो मैंने कहा मेरा तो इंतजार करने में कोई फायदा नहीं, फिर तो पता नहीं कब चालू होगा, मैंने कहा मैं जा सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि हां आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यही रिक्वेस्ट अभी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही कंप्लीट होगी आपका वोल्टेज एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने कहा दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा? बोलते नहीं, आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फिर क्या, मैं चला आता हूं और काफी टाइम तक वोल्टेज में चेक करता रहता हूं बार बार, बट वोल्टेज एक्टिव नहीं हुआ। अराउंड शाम को 5:30-6 बजे के आसपास मेरा वोल्टेज एक्टिवेट हो गया। अभी आप ये क्लिप देख सकते हैं, इसको मैंने कल रिकॉर्ड किया था। जैसे ही वोल्टेज एक्टिवेट हुआ मैंने इस क्लिप को रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा था, तो मैंने सोचा इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फाइनली देखते हैं एक बार और वोल्टी कैसा क्या है भैया। और फाइनली आज की डेट में देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टी पकड़ रहा है मेरे फोन के अंदर, सेलवन बेसनल मोबाइल, और यहाँ पर आपको वोल्टी नजर आ रहा होगा। चलिए इसको ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। सेटिंग के अंदर जाऊंगा, कनेक्शन के अंदर जाऊंगा, मोबाइल नेटवर्क के अंदर, एंड यहाँ पर वोल्टी का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप ऊपर देख पा रहे होंगे वोल्टी नजर आ रहा है, जैसे ही ऑफ करूंगा वोल्टी हट जाएगा। ये ऑफ किया मैंने और ये वोल्टी गया, ठीक है। ये मैंने ऑन किया और ये वोल्टी आ गया। तो आखिरकार हमने वोल्टी एक्टिवेट कर ही लिया। और अभी मैं जो मर्जी करूं, मतलब लाइक फ्लाइट मोड लगा दिया, अभी देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाइट मोड लगाया। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि फ्लाइट मोड या फिर सिम निकालने से दोबारा वोल्टी चला तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक बार वोल्टी एक्टिवेट कर दिया तो हमेशा रहेगा। फ्लाइट मोड लगाया, दोबारा फ्लाइट मोड हटाया, अभी देख सकते हैं नेटवर्क जैसे ही आएगा वोल्टी पकड़ लेगा तुरंत का तुरंत। ये देख सकते हैं वोल्टी आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेलवन बेसनल मोबाइल आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वोल्टी पकड़ने के बाद कॉल कितनी देर में कनेक्ट हो रही है, चलिए ट्राई करते हैं। कॉल कनेक्ट करूंगा और स्पीकर पे डाल दूंगा तुरंत का तुरंत। ये मैंने किया कॉल एंड ये स्पीकर पे डाला, तुरंत कॉल कनेक्ट हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। कट किया, दोबारा लगाया, ये लो कितना फास्ट कॉल कनेक्ट हो रही है। जैसे मतलब लगा रहा हूँ तुरंत लाइक जियो एयरटेल VI की तरह हो चुका है, प्रॉपर कनेक्ट हो गया। मज़ा आ रहा है आज कॉल करने में। एक और ट्राई करते हैं लास्ट, ये लो तुरंत बहुत ही परफेक्ट हो चुकी कॉलिंग भैया। ये होता है वोल्टी का कमाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वोल्टी एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ बेसनल के ऑफिस जाकर के ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहला ऑप्शन मैंने बताया SMS सेंड करना होता है एक्टिवेट वोल्टी लिख करके, उससे भी वोल्टी एक्टिवेट हो रहा है बहुत सारे लोगों का, अलग अलग स्टेट में एक्टिवेट हो रहा है उस नंबर से भी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना के रखी हुई है। तो उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया वोल्टीवेट हमारा एक्टिवेट हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भैया ये नंबर जो है काम नहीं कर रहा है, ये तरीका काम नहीं कर रहा है। और सेम प्रॉब्लम मेरे को भी वही हो रही थी, नंबर से जो है वोल्टी एक्टिवेट नहीं हो रहा था, जो टेक्स्ट मैसेज करना होता है उससे वो वोल्टी एक्टिवेट नहीं हो रहा। दोनों के ऊपर ट्राई देख लिया, नहीं हुआ। थोड़ा सा मेहनत हुई, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है बीएसएनएल ऑफिस, तो मेरे यहाँ से तो काफी दूर है। वैसे हर सिटी में 2-3 ऑफिस होते हैं, कोई तरीका नहीं काम आएगा, तो ये तरीका 110% वर्क करेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है। पहले मैं भी नहीं मान रहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन ऐसा होगा, बट उनके पास होता है, क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ प्रॉपर। मेरे सामने उसने डिस्प्ले कर दी थी पूरी, क्या ऑप्शन है क्या ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो प्रॉपर देख के आया हूँ कि हाँ है, आप जाकर के वोल्टी एक्टिवेट करा सकते हैं अगर कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। कल का पूरा दिन लग गया हमारा इसी काम में और वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। और इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।